वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का जो चैप्टर है ये आपको 11वीं स्टेट बोर्ड के लिए और नीट के लिए दोनों भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखिए जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है इसमें इस चैप्टर की हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वैल्यू मिलेंगे। तो देखिए ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी क्या रहता है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करना। अब देखिए इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस का क्या करते हैं स्टडी करते हैं। मानो जैसे अगर मेरा उदाहरण लिया जाए तो मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरे आंखों का कलर, कानों की पोजीशन, जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है वो, अगर इन सारे पार्ट्स की या फिर सारे ऑर्गन्स की अगर स्टडी की जाए, इन अलग अलग बॉडी किससे की स्टडी की जाए वो भी एक्सटर्नली बाहर से, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसकी रचना कैसी है, उसका कलर कौन सा है, कैसी पोजीशन है, तो उस स्टडी को हम क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस की, एखादा जो कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं मतलब एखादा कोई जो ऑर्गन है या फिर कोई बॉडी पार्ट है, तो देखिए ऑर्गेनिज्म की या फिर ऑर्गन की या फिर बॉडी पार्ट की अगर हम एक्सटर्नली स्टडी करें, शेप साइज अगर देखें तो उसे कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। अब देखिए हमें देखना क्या है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की देखनी है हमें मॉर्फोलॉजी। तो हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट है जो प्लांट, द प्लांट विच बियर्स फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनको फूल आते या फिर जो फ्लावर पजेस करते विच बियर्स फ्लावर, उन प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। मतलब यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली एंजियोस्पर्म्स की क्या देखनी है मॉर्फोलॉजी। जिन प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो दिस इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। हमें एंजियोस्पर्म की क्या देखनी है मॉर्फोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले की जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके कुछ हम बॉडी पार्ट्स देखेंगे। जैसे मानो ये हुई सॉइल लेयर, सॉइल लेयर के ऊपर सबसे पहले सीड जब जर्मिनेट होगी, सीड जर्मिनेट होते वक्त क्या होगा, एक हिस्सा इसका ऊपर ग्रो करेगा सॉइल के और एक हिस्सा नीचे ग्रो करेगा। तो जो हिस्सा यहाँ पे ऊपर ग्रो करता है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, उस हिस्से को क्या कहेंगे प्लूम्यूल। द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच ग्रोज अबव द सॉइल, विच ग्रोज अबव द सॉइल, ऐसा पार्ट जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसे कहेंगे हम यहाँ पे प्लूम्यूल। और जो बिलो द सॉइल मतलब सॉइल के अंदर, अंडर द सॉइल या फिर बिलो द सॉइल, जो पार्ट सॉइल के अंडर या फिर बिलो ग्रो करता है उस पर कहते हैं हम रेडिकल। अब देखिए इस रेडिकल से तैयार होगी रूट सिस्टम, रेडिकल से क्या तैयार होती है रूट सिस्टम, और इस प्लूमेल से तैयार होती है शूट सिस्टम। अब देखिए ये जो रूट है, रूट रहते हैं होमोजिनस, मतलब क्या रहता है कि रूट ऐसा पार्ट है जहां पे सारे के सारे इस नीचे के हिस्से में सब रूट ही आएंगे, यहाँ पे स्टेम नहीं होगा, यहाँ पे रूट के अलावा कोई भी ऑर्गन नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं हम इसे होमोजिनस। अब देखिए शूट सिस्टम कैसी रहती है, शूट सिस्टम यहाँ पे रहती है हेटेरोजिनस। शूट सिस्टम कैसी है दोस्तों, यहाँ पे हेटेरोजिनस। अब देखिए हेटेरोजिनस मतलब क्या, यहाँ पे शूट में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि मानो सबसे पहले स्टेम है, लीव्स है, स्टेम की ब्रांचेस है, ब्रांचेस के साथ लीव्स, लीव्स के साथ यहाँ पे फ्लावर्स है, फ्लावर्स के साथ फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ यहाँ पे सीड्स है। अब देखिए ये जो सारे ऑर्गन है वो कहाँ पे आ रहे हैं, इन शूट सिस्टम, इसीलिए शूट को क्या कहा जाता है हेटेरोजिनस सिस्टम। तो शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस और रूट सिस्टम कैसी रहती है, तो वो रहती है होमोजिनस। अब देखिए जो पार्ट यहाँ पे
सॉइल के नीचे जो ग्रो होगा उसे हम कहेंगे रूट सिस्टम, ऊपर स्टेम, उसकी ब्रांचेस, और इसके ऊपर ये क्या होगा, प्लांट का स्ट्रक्चर। अब देखिए, सबसे पहले इस प्लांट के, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुछ पार्ट। अब देखिए, जैसे कि मानो सबसे पहले रूट, दूसरा ये हुआ स्टेम, फिर हो गए इसकी ब्रांचेस, फिर आएंगे इसके लीव्स, लीव्स के बाद फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स, और फ्रूट्स में रहेंगे सीड्स। तो दीज आर दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए, हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या करना है, रूट की मॉर्फोलॉजी देखनी है। सबसे पहले हम रूट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, बाद में देखेंगे स्टेम की मॉर्फोलॉजी, फिर देखेंगे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड्स। तो ऐसे करके हमें इस जो ये जो प्लेलिस्ट बनानी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की, उसमें सबसे पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे रूट के, बाद में जो ऑर्गन है इनके भी करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि रूट इज द पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रूट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट का क्या है, एक पार्ट है, ऑर्गन है, उसे आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, हमें देखनी है आज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। क्या देखनी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। तो देखिए दोस्तों, रूट एक ऐसा हिस्सा है प्लांट बॉडी का जो बिलो द सॉइल ग्रो करता है। कहां पे आता है, बिलो द सॉइल, मतलब जमीन है, ये जो सॉइल है उसके नीचे ये ग्रो होता है। इट मेनली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये जो है रेडिकल से डेवलप होता है, या फिर इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल छोड़ के कोई से भी पार्ट से ग्रो सकता है, जैसे डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम। अब देखिए, ये जो रूट है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये करता है एनकरेजमेंट इनटू द सॉइल, मतलब पूरी प्लांट बॉडी को सॉइल में खड़े रहने के लिए अगर कोई हिस्सा मदद करता है तो प्लांट बॉडी का वो जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम रूट। ये जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी को जमीन में अडेयर करने के लिए या फिर एनकरेज करने के लिए कौन हेल्प करता है, रूट। साथ में अगर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है प्राइमरी फंक्शन, वो भी कौन करता है, रूट। जमीन से मिनरल, साल्ट, वाटर का अगर एब्जॉर्प्शन करना हो तो उसके लिए कौन हेल्प करते हैं, रूट। तो दीज आर दी मेनली बेसिक फंक्शंस ऑफ रूट। अब देखिए, इसके साथ रूट बहुत सारे फंक्शन करता है, वो हम बाद के वीडियो में देखेंगे कौन से फंक्शन रहेंगे। अब देखिए, ये जो रूट है, रूट जनरली कलरलेस, ये रूट क्या रहते हैं, जनरली कलरलेस, मतलब इन्हें कलर नहीं रहता, सिलेंड्रिकल रहते। अब देखिए, सम प्लांट में, कुछ प्लांट में क्या रहते हैं, ब्रांच रहते हैं, या फिर कुछ प्लांट में ये अनब्रांच भी रहते हैं, इट मे बी ब्रांच और अनब्रांच स्ट्रक्चर। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि रूट ये जो जमीन के नीचे ग्रो होता है हिस्सा, उसे जमीन के नीचे ग्रो होने की वजह से हम कहेंगे टूवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब क्या कि ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ ये ग्रो करता है, इसीलिए हम इस पार्ट को कहते हैं ग्रेविट्रॉपिक। ये मूवमेंट हुई ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, और ये टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक। अब देखिए, पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक होने के साथ ये रहता है पॉजिटिवली वाटर के डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसीलिए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली क्या रहता है, हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब टूवर्ड्स वाटर इसकी ग्रोथ रहती है। साथ में सॉइल की तरफ ग्रो करता है, इसीलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये क्या रहता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखिए, सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ रहती है, सनलाइट जमीन के ऊपर है तो इसकी ग्रोथ जो है जमीन से नीचे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द सनलाइट, इसीलिए सनलाइट को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। टूवर्ड सनलाइट मूवमेंट अगर हो जाए तो उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिक, ये सनलाइट से अवे फ्रॉम हो गए तो इसीलिए कहेंगे इसे निगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, अब बाद में देखेंगे कि निगेटिवली एयरोट्रॉपिक, मतलब जो एयर है उससे भी क्या अवे ग्रो करता है, इसीलिए कहते हैं हम निगेटिवली निगेटिवली एरोट्रॉपिक। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ द रूट। रूट की जो ग्रोथ है ये रहती है एक
पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक या फिर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक या फिर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या फिर डायरेक्ट इसके अपोज में निगेटिवली फोटोट्रॉपिक या फिर निगेटिवली एरोट्रॉपिक। तो ये हुई रूट की ग्रोथ, मतलब क्या कि ये बिलो द सॉइल क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, तो अब देखेंगे इसकी हम मॉर्फोलॉजी, रूट्स के देखेंगे बॉडी पार्ट या फिर रूट्स के देखेंगे रीजन्स। क्या देखना है हमें, रीजन्स ऑफ द रूट। तो देखिए जो रूट है, रीजन्स ऑफ रूट, रूट के हमें रीजन देखने, अलग अलग तरीके के पार्ट देखने। तो सबसे पहले रूट के हम डायग्राम निकाल लेते कि ये हुई सॉइल लेयर, विरोधी सॉइल ये हमारा रूट ग्रो होगा। तो यहाँ पे जो रूट है, हम डाइकॉट का रूट लेंगे, तो यहाँ पे जो रूट है सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है इस तरह का, इस थिम्बल लाइक, थिम्बल मतलब क्या, जैसे पेन की कैप है या फिर पेन का ढक्कन है, इसे कहेंगे हम कैप। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रूट कैप। ये क्या हुई, रूट की कैप हुई, ये हुआ इसका एक रीजन। अब देखिए कुछ लोग इसे एक रीजन मानते हैं या फिर ये इसे रीजन ना मान के ऊपर के रीजन बताते हैं, और ये हुआ इसका एक रीजन, कौन सा, रूट कैप। अब देखिए इसके ऊपर सबसे पहले रूट कैप को डिस्क्राइब करें, तो रूट कैप क्या है, रूट कैप इज द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए रूट कैप क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये बना हुआ होता है फ्रॉम द पेरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर टिश्यू, कौन से, पेरेनकाइमेटस सेल जो है उसके ग्रुप से बना हुआ आता है रूट कैप। अब देखिए रूट कैप क्या करता है, एक म्यूसिलेज सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, इस रूट को जमीन के अंदर पाद बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये हुआ म्यूसिलेज शीथ, ये कौन तैयार करता है, ये स्पोन सीक्रेट करता है, तो इट इज सीक्रेटेड बाय रूट कैप। ओके, तो ये रूट कैप क्या करती है, और टूवर्ड्स वाटर ग्रो करने के लिए भी क्या करती है, यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये हुआ इसका एक रीजन नोन एज रूट कैप। अब देखिए इसके ऊपर, अब ये सबसे एंड का जो हुआ वो हुआ रूट कैप, इसके ऊपर जो यहाँ पे एक पार्ट है सब टर्मिनल पार्ट, मतलब ये देखिए टर्मिनल हुई रूट कैप, इसके ऊपर के पार्ट को कहेंगे हम सब टर्मिनल पार्ट। द सब टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट कैप इज नोन एज, इस रूट का जो सब टर्मिनल पार्ट है उस रीजन को या फिर उस पार्ट को हम कहेंगे रीजन ऑफ सेल डिविजन। क्या कहेंगे इसे, रीजन ऑफ सेल डिविजन या फिर रीजन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, मतलब यहाँ पे सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब देखिए रीजन ऑफ सेल डिवीजन या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टिमेटिक एक्टिविटी, इसे क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टिमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन में मेरिस्टिमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है जो विच इज एक्टिव इन डिवीजन, ये क्या रहती है, बहुत एक्टिव रहती है, एंड दे शोज रैपिड सेल डिवीजन, ये क्या करती है, रैपिड सेल डिवीजन शो करती है। अब देखिए यहाँ की जो सेल्स है ये क्या करेगी, रैपिड सेल डिवीजन करेगी इस रूट कैप के अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के अबाव जो पार्ट है उसे कहेंगे हम रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या हुआ, रीजन ऑफ सेल डिवीजन या फिर इसे कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, जिसमें ये सेल क्या करेगी, बहुत एक्टिवली बहुत फास्ट क्या करेगी, रिप्लिकेट होगी या फिर डिवाइड होगी, और उसकी वजह से ये क्या होगा, उसकी लेंथ जो है रूट की ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर रूट की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो रूट की ग्रोथ होगी, और इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, रूट पानी की डायरेक्शन में अपनी लंबाई और बढ़ा सकता है। तो इसीलिए ये क्या, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ये जो डिवीजन है ये रहता है लॉन्जिट्यूडिनली, मतलब लॉन्जिट्यूडनली मतलब वर्टिकली, वर्टिकली जो डिवीजन है वो प्रिफर होता है किसी लिए, फॉर द इंक्रीज मेट ऑफ ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है या फिर लेंथ है इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ये पार्ट रहता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसे क्या कहेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब देखिए द पार्ट विच प्रेजेंट अबव द सेल डिवीजन या फिर मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, इस रीजन ऑफ सेल डिवीजन या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी के ऊपर जो रीजन है इसे कहेंगे रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहाँ पे ये जो सेल है ये क्या करती है,
इलांगेट करती, इलांगेशन दिखाती है, मतलब इसकी जो लेंथ है ड्यू टू इलांगेशन, मतलब इसकी लेंथ ग्रो होने की वजह से ड्यू टू इलांगेशन ऑफ दिस सेल द लेंथ ऑफ दिस रूट गेट इंक्रीजेस, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और साथ में ये किसके लिए हेल्प करता है, तो ये इंक्रीज करता है रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसे ये जो एब्जॉर्प्शन का रीजन है या फिर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है उसे बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है, रीजन ऑफ इलांगेशन। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये है रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर रीजन ऑफ रूट हेयर। अब देखिए रीजन ऑफ रूट हेयर या फिर रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखिए यहाँ पे ये जो इपिडर्मल ये जो सेल है यूनिसेलुलर सेल, इनकी ग्रोथ होगी, ये जो यूनिसेलुलर सेल है इनकी ग्रोथ होके क्या तैयार होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम रूट हेयर। अब देखिए ये जो रूट हेयर है ये रूट हेयर डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हैं विद द वाटर, सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं वाटर का, इसीलिए एब्जॉर्प्शन के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर एब्जॉर्प्शन करना हो तो इसके लिए कौन मदद करेगा, तो ये रीजन ऑफ रूट हेयर, इसे कहेंगे हम रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे कहेंगे रीजन या फिर जोन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ रीजन ऑफ मैच्यूरेशन या फिर जोन ऑफ मैच्यूरेशन। अब देखिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है सबसे ऊपर का हिस्सा उसे कहेंगे हम रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। अब देखिए ये जो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है ये बहुत ही मैच्योर पार्ट है, इसमें सेल डिवाइड होगी एंड रीडिवाइड होगी, इसमें क्या होती है सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो बहुत ही कम रहता है, इट शोज लेस एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो दीज आर दी वेरियस रीजन्स ऑफ रूट है, सॉरी वेरियस रीजन ऑफ रूट, सबसे बीच सबसे नीचे जो है रूट कैप, रूट कैप के ऊपर सेल डिविजन, रीजन ऑफ सेल इलांगेशन, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रीजन या फिर जोन ऑफ मैच्यूरेशन। तो दीज आर दी वेरियस रीजन्स ऑफ दी रूट्स। अब देखिए रीजन ऑफ रूट्स के बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रूट्स, अब क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट, रूट के अलग अलग तरीके के क्या देखेंगे हम टाइप देखेंगे। तो देखिए ये जो हमें रूट्स है, रूट्स होते हैं दो तरीके के, सबसे पहले होते हैं एक तो टैप रूट और दूसरा इसका टाइप होता है एडवांटेजियस रूट। ये हमने पिछली कक्षा में भी डिस्क्राइब किया था कि एडवांटेजियस रूट और टैप रूट क्या होती है। तो देखिए जब जर्मिनेशन होता है मतलब यहाँ पे सिर से जब सीडलिंग फॉर्म होती है तो दो पार्ट ग्रो होते हैं प्लूम्यूल एंड रेडिकल, अगर रेडिकल का एक्सटेंशन हो और उससे अगर एक रूट आए इसे कहेंगे हम प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट को अगर ब्रांचेस आए तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी को अगर अगेन ब्रांचेस आ जाए तो इसे कहेंगे हम टर्शियरी रूट। तो अब देखिए अगर कोई एकाधिक रूट सिस्टम में अगर प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो, सेकेंडरी रूट के साथ साथ टर्शियरी रूट भी हो, अगर रूट है मेन रूट है और उसके ब्रांचेस भी प्रेजेंट है। अब देखिए द इफ ए रूट ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल, अगर वो रूट रेडिकल से ग्रो हुआ हो या फिर रेडिकल का एक्सटेंशन हो, रेडिकल प्राइमरी रूट हो और सेकेंडरी उसपे ब्रांचेस हो, टर्शियरी ब्रांचेस हो, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और ये जो टैप रूट सिस्टम है विच कैन वेरी डिपेंड्स इनटू द साइल, ये जमीन के अंदर बहुत नीचे तक जा सकती है उसे कहते हैं हम टैप रूट सिस्टम। इसके एग्जांपल है ऑल डाइकॉटिलीडन्स प्लांट, ये जो डाइकॉटिलीडन्स प्लांट है मतलब जो द्विदलीय प्लांट है उनके लिए क्या रहती है उनके पास रहती है टैप रूट सिस्टम। और दूसरी सिस्टम रहती है एडवांटेजियस सिस्टम, जब विदाउट रेडिकल या फिर एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल छोड़ के अगर प्लांट के जो रूट है वो ग्रो होगी, वो होगी या एक तो डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम या फिर डायरेक्टली फ्रॉम नोड, अगर स्टेम से
ये सारे के सारे रूट यूनिफॉर्म रूट अगर प्रेजेंट रहेंगे, अगर एक जैसे पैरेलल रूट अगर प्रेजेंट रहेंगे, यूनिफॉर्म रूट प्रेजेंट रहेंगे फ्रॉम दिस स्टेम और एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल छोड़ के नोड से या फिर स्टेम से अगर रूट ग्रो हो गए तो उस टाइप की सिस्टम को क्या कहेंगे हम, एडवांटेजियस सिस्टम। इस एडवांटेजियस रूट सिस्टम को इसके भी बहुत पार्ट है, जैसे कि फाइबरस रूट, स्टील रूट, ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये हुई एडवांटेजियस रूट सिस्टम। और ये अगर जो मोनोकॉट प्लांट है उनका एग्जांपल लिया जाए तो ऑल मोनोकॉटिलीडॉन्स शोज एडवांटेजियस टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो दोस्तों ये हुए रीजन ऑफ रूट्स और टाइप्स ऑफ रूट्स। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग तरीके के रूट के मॉडिफिकेशन। देखिए हमने देखा कि सबसे पहले रूट जो है, रूट के मेन फंक्शन एक तो एंकरेजमेंट, सॉइल में एंकरेज करते रहना, दूसरी बात जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन करना। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन है तो वो दिखाते हैं अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन के साथ। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में नए नए अपडेट्स मिलते रहने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।